नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बकरीद, लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर दी बधाई। सावन की अंतिम सोमवार को लेकर शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा शिवालय। सावन की अंतिम सोमवार और बकरीद को लेकर जिले भर में सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम, एसएसपी आशीष भारती खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। बांका के भैरवगंज से सोए अवस्था में नाबालिग युवती का हुआ अपहरण, जांच में जुटी पुलिस। और कहलगांव में खेलने के दौरान नाले में गिरा मासूम, परिजनों में मचा कोहराम। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं भागलपुर में बकरीद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही शहर के कई इबादत गाहों में नवाजियों की भीड़ उमड़ी रही और लोगों ने बकरीद की विशेष नवाज अदा कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। नाथनगर के सिटीएस कर्णगढ़ मैदान में मौलाना अंसार कासमी ने बकरीद की नमाज पढ़ाई, जबकि ततारपुर के जामा मस्जिद में खानका सहवाजिया के मौलाना फारूक आलम अशरफी ने बकरीद की नमाज पढ़ाई और आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। इसके बाद नगर विधायक अजीत शर्मा ने ततारपुर चौक पर मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। खलीफा बाग स्थित शाही मस्जिद में मुफ्ती सलमान शाह ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई। इसके बाद नवाजियों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। मुफ्ती सलमान ने कहा कि बकरीद का त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम और पैगंबर हजरत इस्माइल की यादगार है। वहीं भागलपुर के ऐतिहासिक शाहजंगी मैदान में खानका आलिया शहबाजिया के सैयद शानदार आलम सहबाजी ने बकरीद की नमाज पढ़ाई और त्यौहार का उद्देश्य बताया। सैयद सहवाजी ने कहा कि बकरीद के मौके पर असहाय और गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं मौलाना चक स्थित खानका सहबाजिया में सजादा नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम सहवाजी ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई। इसके अलावा बरहरपुरा, भिकनपुर, मजायदपुर, हुसैनाबाद, हुसैनपुर, गनीचक, हबीबपुर, कचहरी परिसर समेत कई स्थानों पर बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सर्वोच्च त्याग, बलिदान और समर्पण का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भागलपुर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग बकरीद मना रहे हैं। बकरीद को लेकर जो भी इबादत गाह थे उसमें सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ रही थी। भागलपुर के विभिन्न खानकाओं और मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ लगी रही और लोग नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद लोग सीधे घर जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में जानवर की कुर्बानी देंगे। पर्व का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीबों की सेवा की जाए, गरीबों की सहायता की जाए। वहीं अगर भागलपुर में सुरक्षा की बात करें तो बकरीद को लेकर संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और एसएसपी आशीष भारती सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। श्रावण मास के अंतिम सोमवार के अवसर पर भागलपुर जिले के तमाम शिवालयों एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक किया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे और पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना की। भागलपुर के बाबा विधेश्वर नाथ मंदिर बूढ़ानाथ में सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों एवं व्रतियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो पूरे दिन जारी रहा। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ पूजन सामग्रियों से बाबा विधेश्वर नाथ का अभिषेक किया और पूरा मंदिर हर हर महादेव, बोल बम एवं बाबा भोलेनाथ के जयघोष से गूंजता रहा। पुरुष, महिला, युवाओं के साथ छोटे बच्चों ने भी बाबा बूढ़ानाथ को जलाभिषेक किया और मनोवांछित फल की कामना की। नाथनगर स्थित मनोकामना नाथ मंदिर में अंतिम सोमवार को लेकर दूर दूर से आए शिव भक्तों की भीड़ मंदिर में जुटी रही और सबों ने बाबा मनस्कामना नाथ को जलाभिषेक किया।
सोमवार को सुबह भागलपुर एवं विभिन्न जिलों से आए श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जिससे पूरा मंदिर परिसर मनस्कामना नाथ एवं बोलबम के नारे से गूंजता रहा और सभी अपनी बारी के लिए कतारबद्ध होकर इंतजार करते दिखे। सोमवारी व्रतियों के लिए मंदिर परिसर में पेयजल एवं शरबत की व्यवस्था की गई थी, जबकि भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर के बाहर और अंदर काफी संख्या में पुरुष एवं महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, जिसे किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैल सके। आज रात्रि 2 बजे से ही मंदिर में कांवरियों की बहुत भीड़ है, हम लोगों को मुश्किल हो गया संभालने में, अच्छी भीड़ थी। और यहाँ जितने भक्त आते हैं उनकी मनोकामना बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं, इसलिए दूर दूर से कांवरिया यहाँ सुल्तान के जल भरकर यहाँ आके बाबा को जल अर्पित करते हैं, और विशेष महिलाओं और कुमारी कन्या विशेष यहाँ पूजा करती हैं। और आज आखिरी सोमवार है, आज इतना भीड़ था मंदिर तो क्या रास्ते में भी अफरा तफरी मच गया था। और व्यवस्था जो है बिहार पुलिस का थाना प्रभारी खुद मौजूद थे यहाँ पर, हमसे मिले भी। और यह जो लेडीज पुलिस लगाया गया है व्यवस्था में, इन लोगों को 100 बार मैंने माइक से भी कहा, लेकिन ये लोग मंदिर के अंदर नहीं गई, एक जगह बैठी रहती है। तो हम लोग तो यही प्रशासन से मांग करेंगे कि हम लोग को लेडीज पुलिस नहीं चाहिए। वहीं भागलपुर जगदेशपुर के प्रसिद्ध गोनू धाम में सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखाई दिया। शिव भक्तों ने गोनू बाबा के मिट्टी से निर्मित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सोमवारी को लेकर गोनू धाम मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में मेला सा माहौल दिखा और सबों ने सच्चे मन से गोनू बाबा की पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगा। मंदिर के पुजारियों द्वारा रोजाना गंगा मृतिका से शिवलिंग तैयार किया जाता है और हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आकर पूजन करते हैं। वहीं कहलगांव स्थित बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर में सावन की सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर पहुंचे शिव भक्तों ने पूरे भक्ति भाव के साथ बटेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक किया और काफी श्रद्धालु ने उपवास कर सोमवारी रखा। वहीं सुल्तानगंज अजगैवीनाथ महादेव मंदिर में कांवरियों के साथ विभिन्न जगहों से आए शिव भक्तों ने बाबा अजगैवीनाथ को उत्तरवाहिनी गंगा का जल अर्पण किया और पूरा मंदिर परिसर बोलबम एवं भोलेनाथ के नारों से शिवमय हो गया। यूं तो श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज से बाबा धाम तक के मार्ग में भक्तिमय माहौल है, लेकिन सोमवार के दिन कांवरियों के अलावा हजारों भक्त अजगैवीनाथ मंदिर पहुंचे और सोमवारी व्रत का पूजन किया। वहीं भागलपुर के आदमपुर शिव शक्ति मंदिर में भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिव भक्त पहुंचे और भारी भीड़ के बीच पूरी आस्था के साथ भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान शिव के वाहन नंदी की भी लोगों ने पूजा की, खासकर युवाओं और महिलाओं की भीड़ अधिक देखी गई। मंदिर को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया और मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। आकर्षक और शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण शिव शक्ति मंदिर में लगातार शिव भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं कोतवाली चौक स्थित कुपेश्वर नाथ मंदिर में सोमवारी को लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा कुपेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कई इंतजाम किए गए और पूरा वातावरण भगवान शिव के रंग में रंगा रहा। सावन की अंतिम सोमवारी और बकरीद त्यौहार को लेकर सोमवार को भागलपुर जिले भर में जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। एक ही दिन सोमवारी और बकरीद होने के कारण सभी मस्जिदों, खानकाहों, मंदिरों एवं चौक चौराहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। SSP आशीष भारती के निर्देश पर सिटी SP सुशांत सरोज, सिटी DSP राजवंश सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी, विभिन्न थानों के थानाध्यक्षों के अलावा सदर SDO आशीष नारायण लगातार व्यवस्था का जायजा लेते दिखे। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा कर्मी लगातार निगरानी करते दिखे। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग SSP खुद कर रहे थे। इस दौरान शांति समिति, पूजा समिति एवं काफी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता भी शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ मुस्तैद दिखे। सभी भागलपुर वासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे देश वासियों को बकरीद और अंतिम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भागलपुर में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के धर्म के सद्भावना का सम्मान करते हुए सद्भावना के साथ लोग मना रहे हैं। उन पर मेरी ओर से सबको ढेर सारी बधाई। सुरक्षा की क्या व्यवस्था की? सभी जगह मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात हैं। अभी तक सभी लोग प्रतिनियुक्त मिले हैं, जो प्रतिनियुक्त किए गए हैं अपने जगह पर चुस्त और तैनात हैं वहाँ पे, और शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद और अंतिम सोमवारी का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरी मुकम्मल व्यवस्था है, जहाँ जहाँ संवेदनशील जगह हैं चौक चौराहों पर और मस्जिदों के आसपास मजिस्ट्रेट और पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है और शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है।
बांका के चांदन आनंदपुर ओपी से एक नाबालिग युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल रविवार की देर रात भैरोपुर महादलित टोले से सोए अवस्था में अपराधियों ने 16 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया। रविवार को पीड़ित परिजनों ने आनंदपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, उसी दौरान कुछ लोगों ने युवती का अपहरण कर लिया। इस दौरान युवती द्वारा शोर मचाए जाने के बाद माँ रेशमी देवी की नींद खुल गई, जिसके बाद मां ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर अपनी बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं ओपी थाना अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुँच कर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर थाना क्षेत्र मजदाहा गांव में एनटीपीसी द्वारा बनाए गए एस डाइक नाले में गिरने से 6 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मासूम की पहचान मजदाहा निवासी गुजाली मंडल के 6 वर्षीय पुत्र गौरव मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक गौरव रविवार की शाम घर के समीप खेल रहा था, इसी दौरान वह एनटीपीसी की ओर से बनाए गए एस डाइक नाले में गिर गया, जिसमें दम घुटने से मासूम की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक के शव को नाले से बाहर निकाला। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की जयंती को राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर बांका में क्रीड़ा भारती संघ के अध्यक्ष विष्णु कुमार की अध्यक्षता में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि क्रीड़ा भारती बिहार दक्षिणी प्रांत अध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजेश्वर राज एवं प्रदेश मंत्री अभिषेक पांडे मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए राजेश्वर राज ने कहा कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर होने वाले खेल दिवस को क्रीड़ा भारती संगठन राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने संघ को बांका में विस्तार करने पर जोर दिया। बैठक में रंजीत यादव, शशिकांत चौधरी, अभिषेक सहित कई लोग मौजूद थे।
भागलपुर के जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र के समीप मोटरसाइकिल से पूजा करने गोनूधाम मंदिर जा रहे दंपत्ति को हाइवा ने ठोकर मार दिया। इस घटना में महिला का दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घायलों की पहचान धौरैया के बैजनाथपुर निवासी अर्जुन मंडल और उसकी पत्नी संजू देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर दोनों पति पत्नी अपने 3 वर्षीय बच्चे को लेकर पूजा करने गोनू बाबा धाम आ रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सा महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल ने श्रावणी मेला को अंतर्राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की मांग की है, ताकि श्रावणी मेला की इतनी बड़ी आस्था को दुनिया के सामने दिखाई जा सके। लगातार 24वें वर्ष कांवड़ लेकर बाबा धाम जा रहे सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल ने कहा कि कांवड़िया पथ का कंकर पत्थर भी भगवान भोलेनाथ है। इसकी आस्था इतनी बड़ी है कि जिसको तोलने का कोई तराजू नहीं है। शासन और प्रशासन के लोगों को मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की दिशा में प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि इस मेले में देश व विदेश के लोग काफी संख्या में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिल जाने से मेला की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल 30 कांवरियों के दल के साथ बाबा धाम जा रहे हैं। कहलगांव के उत्तर वाहिनी गंगा तट स्थित बाबा बटेश्वर नाथ प्रांगण में जीवन ज्योति ट्रस्ट की ओर से सेवा शिविर सा भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुबोध कुमार बीमल ने कहा कि जीवन ज्योति ट्रस्ट सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस मौके पर संजय शाह, रामबचन शाह, जयराम राय, मिथिलेश पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। सरकार गरीबों के लिए चाहे जितनी भी योजनाएं चलाए, लेकिन बिचौलिए एवं भ्रष्ट कर्मियों के कारण योजना का उचित लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। बांका के बौसी सांगा पंचायत के डीलर सत्यनारायण मरांडी डीलरशिप का कार्य दबंग सुनील यादव से करवा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सुनील यादव विभाग के कुछ लोगों की मिलीभगत से राशन का कालाबाजारी करते हैं एवं कम अनाज देकर अधिक पैसे वसूलता है। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें प्रत्येक माह राशन नहीं मिलता है और 2-3 महीने पर एक बार राशन देकर सुनील यादव राशन कार्ड में सभी महीने राशन आपूर्ति की विवरण भर देता है। जब इसकी जानकारी अधिकारियों को दी जाती है तो अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे ग्रामीणों को राशन आपूर्ति में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में जनता आखिर किसके पास जाकर गुहार लगाए, ये बड़ा सवाल है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बकरीद, लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर दी बधाई। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा शिवालय। सावन की अंतिम सोमवारी और बकरीद को लेकर जिले भर में सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम, SSP आशीष भारती खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। बांका के भैरोगंज से सोए अवस्था में नाबालिग युवती का हुआ अपहरण, जांच में जुटी पुलिस। और कहलगांव में खेलने के दौरान नाले में गिरा मशरूम, परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।